नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है अवध एक्सप्रेस के बारे में, जो कि बांद्रा टर्मिनस मुंबई से बरौनी जंक्शन बिहार के बीच में रोजाना चलती है, डेली ट्रेन है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन की जानकारी की वीडियो है वो है अवध एक्सप्रेस के बारे में, जो कि बांद्रा टर्मिनस से बरौनी जंक्शन तक रोजाना चलती है, डेली ट्रेन है और 49 आवर्स 10 मिनट्स में ये ट्रेन जो है अपनी यात्रा कवर करती है। इसके तकरीबन 74 स्टेशन हैं, 2255 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 46 किलोमीटर पर आवर। अवध एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो है 1937। ये जो ट्रेन है डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है और इसका ट्रेन नंबर है 1937। और ये जो ट्रेन है मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो है इसे ऑपरेट करता है। आगे हम बात करेंगे टिकट किराए के बारे में। तो इसमें वैसे सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं, सभी में आपको रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। अगर हम बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो अवध एक्सप्रेस का जो टिकट किराया बताऊँगा मैं, वो बांद्रा टर्मिनस से बरौनी जंक्शन तक का होगा। इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बों में आपको रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। तो अगर हम बात करें अवध एक्सप्रेस के सेकंड एसी के टिकट किराए के बारे में, तो बांद्रा टर्मिनस से बरौनी तक का टोटल किराया है 3105 रुपये, जिसमें 2907 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, जीएसटी चार्ज 148 रुपये है। टोटल किराया जो बांद्रा से बरौनी तक का बनता है वो है 3105 रुपये। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं, थर्ड एसी के तकरीबन चार कोच हैं, जिसका बांद्रा से बरौनी तक का टोटल किराया है वो है 2125 रुपये, जिसमें 1983 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, जीएसटी चार्ज 102 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 2105 रुपये। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं, स्लीपर क्लास के तकरीबन 11 कोचेस हैं, जिसमें आपको रिजर्वेशन के साथ जाना होगा, जिसमें पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं जोड़ा जाता, जिसका टोटल किराया जो है वो है 805 रुपये, 785 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 805 रुपये। यह अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बे भी हैं, जनरल डिब्बों में आपको रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। तकरीबन चार जनरल डिब्बे हैं, जिसका बांद्रा टर्मिनस मुंबई से बरौनी जंक्शन तक का टोटल किराया है 500 रुपये, जिसमें 485 रुपये बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये है, टोटल किराया 500 रुपये है। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। पेंट्री कार के कोच से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको ट्रेन के अंदर ही डायरेक्टली जो है फूड जो है परचेज करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बात करेंगे बांद्रा टर्मिनस से बरौनी जंक्शन तक चलने वाली अवध एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे बांद्रा टर्मिनस से इसके बरौनी जंक्शन तक कौन कौन से स्टेशन आते हैं। अवध एक्सप्रेस जो कि डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है, बांद्रा टर्मिनस मुंबई से हर रोज रात को 10 बजे 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 49 आवर्स 10 मिनट्स बाद ये ट्रेन जो है बरौनी जंक्शन बिहार में पहुंचती है। इसके तकरीबन 74 स्टेशन हैं। जो दूसरा स्टेशन है इस ट्रेन का वो है अंधेरी मुंबई महाराष्ट्र, यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 10 बज के 8 मिनट पर पहुँचती है और 10 बज के 10 मिनट पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। जो तीसरा स्टेशन है वो है बोरीवली, बोरीवली में रात के 10 बज के 28 मिनट पर पहुँचती है और 10 बज के 33 मिनट पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 18 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बोईसर रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र का आखिरी स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 11 बज के 32 मिनट पर पहुँचती है और 11 बज के 34 मिनट पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। बोईसर के बाद यह ट्रेन जो है वापी रेलवे स्टेशन गुजरात में रात के 12 बज के 15 मिनट पर पहुँचती है और 12 बज के 17 मिनट पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 157 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। वलसाद गुजरात में रात के 12 बज के 42 मिनट पर पहुँचती है और 12 बज के 44 मिनट पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद अवध एक्सप्रेस जो है वो सूरत रेलवे स्टेशन पे रात के 2 बज के 5 मिनट पर पहुंचती है और 2 बज के 10 मिनट पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 252 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अखिलेश्वर जंक्शन गुजरात में ये रात के 2 बज के 40 मिनट पर पहुँचती है और 2 बज के 42 मिनट पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। वडोदरा जंक्शन गुजरात में रात के 3 बज के 43 मिनट पर पहुंचती है और 3 बज के 53 मिनट पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। गोधरा जंक्शन गुजरात में ये ट्रेन जो है सुबह 5 बज के 2 मिनट पर पहुंचती है और 5 बज के 5 मिनट पर वहाँ से रवाना हो जाती है।
इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद दाहोद रेलवे स्टेशन गुजरात में सुबह 5:53 पर पहुँचती और 5:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। मेघनगर जो कि मध्य प्रदेश का पहला स्टेशन है, यहाँ पर सुबह 6:19 पर पहुँचती है और 6:21 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। बमनिया स्टेशन मध्य प्रदेश में सुबह 6:51 पर पहुँचती है और 6:53 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। रतलाम जंक्शन मध्य प्रदेश में सुबह 7:45 पर पहुँचती है और 7:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है, 10 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन जो है खाचरोड रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में सुबह 8:19 पर पहुँचती है और 8:21 पर वहाँ से रवाना हो जाती है, 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है KUH। इसके बाद नगदा जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 8:57 पर पहुँचती है और 9:02 पर वहाँ से रवाना हो जाती है, 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। विक्रमगढ़ अलौट स्टेशन में सुबह 9:32 पर पहुँचती है और 9:34 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 722 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है चौमहला स्टेशन मैं सुबह 9:53 पर पहुंचती है और 9:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद शामगढ़ जो कि मध्य प्रदेश का आखिरी स्टेशन है, यहाँ पर सुबह 10:21 पर पहुंचती है और 10:23 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। बांद्रा टर्मिनल से शामगढ़ तक की जो दूरी है 774 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। अपने अगले स्टेशन पे ये ट्रेन जो है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पे सुबह 10:48 पे पहुंचती है और 10:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है, 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है BHM। इसके बाद दकनिया तालाब स्टेशन में दोपहर के 12:26 पर पहुंचती है और 12:28 पर वहाँ से रवाना हो जाती है, 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। कोटा जंक्शन में ट्रेन जो है दोपहर के 12:45 पर पहुंचती है और 12:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद लखेरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जो है दोपहर के 1:33 पर पहुंचती है और 1:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है, 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 970 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है LKE। इसके बाद यह ट्रेन जो है सवाई माधोपुर जंक्शन में दोपहर के 2:20 पर पहुँचती है और 2:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 1016 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है SWM। इसके बाद यह ट्रेन जो है गंगापुर सिटी में पहुंचती है दोपहर के 3:10 पे और 3:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद हिंडौन सिटी में ट्रेन जो है दोपहर के 3:53 पे पहुंचती है और 3:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। बयाना जंक्शन में ट्रेन जो है शाम के 4:30 पे पहुंचती है और 4:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है BXN और 1157 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। रूप बस राजस्थान में ट्रेन जो है शाम के 5:08 पे पहुंचती है और 5:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन जो है फतेहपुर सीकरी रेलवे स्टेशन पे शाम के 5:23 पे पहुंचती है और 5:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। ईदगाह, इसके बाद ये ट्रेन जो है ईदगाह आगरा जंक्शन में पहुंचती है शाम के 6:48 पे और 6:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। ईदगाह आगरा जंक्शन में ये ट्रेन जो है हल्दी घाटी पैसेंजर ट्रेन और सियालदह अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी डेली क्रॉसिंग होती है और इसका स्टेशन कोड है IDH। इसके बाद ये ट्रेन जो है आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर शाम के 7:25 पर पहुँचती है और 7:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। हावड़ा जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद टुंडला जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 9 बजे पहुंचती है और 9:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1265 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है।
टुंडला जंक्शन के बाद यह ट्रेन जो है फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पे रात के 9:25 पे पहुंचती है और 9:27 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है FZD। इसके बाद यह ट्रेन जो है शिकोहाबाद जंक्शन में पहुंचती है रात के 9:43 पे और 9:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है SKB। इसके बाद यह ट्रेन जो है इटावा जंक्शन में रात के 10:20 पे पहुंचती है और 10:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1356 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बरथाना रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो है रात के 10:40 पे पहुंचती है और 10:41 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। फाफूंद रेलवे स्टेशन पे जो कि उत्तर प्रदेश का स्टेशन है यहां पर रात के 11:05 पे पहुंचती है और 11:06 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद अवध एक्सप्रेस जो है वो कानपुर सेंट्रल उत्तर प्रदेश में रात के 1:35 पे पहुंचती है और 1:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उन्नाव जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 2:12 पे पहुंचती है और 2:14 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1513 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अपने अगले स्टेशन हरौनी स्टेशन में रात के 2:43 पे पहुंचती है और 1 मिनट बाद 2:44 पे वहां से रवाना हो जाती है। लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन में रात के 3:25 पे पहुंचती है और 3:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद अवध एक्सप्रेस जो है वो लखनऊ सिटी में पहुंचती है रात के 3:42 पे और 3:44 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। बादशाह नगर में अवध एक्सप्रेस जो है सुबह 4:01 पे पहुंचती है और 4:06 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। लखनऊ के ही गोमती नगर में ट्रेन जो है सुबह 4:12 पे पहुंचती है और 4:14 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। बाराबंकी जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 4:46 पे पहुंचती है और 4:48 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1601 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बुड़वल जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 5:18 पे पहुंचती है और 5:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1630 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। जरवल रोड रेलवे स्टेशन पे सुबह 5:37 पे पहुंचती है और 5:40 के करीब वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। कनलगंज में सुबह 6:00 पहुंचती है और 6:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। गोंडा जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 7:15 पे पहुंचती है और 7:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1690 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मस्कनवा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में सुबह 8:14 पे पहुंचती है और 8:16 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। स्वामी नारायण छपिया स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 8:24 पे पहुंचती है और 8:26 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बबनान रेलवे स्टेशन पे सुबह 8:38 पे पहुंचती है और 8:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बस्ती रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में सुबह 9:08 पे पहुंचती है और 9:11 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। बस्ती स्टेशन तक ये जो ट्रेन है 1780 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। खलीलाबाद उत्तर प्रदेश में सुबह 9:50 पे पहुंचती है और 9:52 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1808 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है मगहर उत्तर प्रदेश में सुबह 10:02 पे पहुंचती है और 10:04 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है सहजनवा स्टेशन में सुबह 10:22 पे पहुंचती है और 10:24 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1826 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। सहजनवा के बाद यह ट्रेन जो है गोरखपुर जंक्शन में पहुंचती है। गोरखपुर जंक्शन में सुबह 11:25 पे पहुंचती है और 11:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है। 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1844 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। पिपराइच स्टेशन में ट्रेन जो है दोपहर के 12:05 पे पहुंचती है और 12:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है।
1862 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। कप्तानगंज जंक्शन में ये दोपहर के 12:35 पर पहुंचती है और 12:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है और इसका स्टेशन कोड है CPJ। इसके बाद सिसवा बाजार रेलवे स्टेशन पे दोपहर के 1:28 पर पहुंचती है और 1:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1909 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। खड्डा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जो है दोपहर के 1:48 पर पहुंचती है और 1:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1923 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। पनियावा स्टेशन में ट्रेन जो है दोपहर के 1:58 पर पहुंचती है और 2 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1930 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। हरिनगर रेलवे स्टेशन पे दोपहर के 3:11 पर पहुंचती है और 3:13 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। ये बिहार का स्टेशन है और एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1970 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद नरकटियागंज जंक्शन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:30 पर पहुंचती है और 3:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1992 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। नरकटिया जंक्शन का स्टेशन कोड है NKE। इसके बाद ये ट्रेन जो है बेतिया रेलवे स्टेशन बिहार में शाम के 4:27 पर पहुंचती है और 4:29 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2030 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बापूधाम मोतिहारी स्टेशन में शाम के 5:15 पर पहुंचती है और 5:17 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। चकिया रेलवे स्टेशन बिहार में ये ट्रेन जो है शाम के 5:50 पर पहुंचती है और 5:52 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2103 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। चकिया स्टेशन का स्टेशन कोड है CA है। इसके बाद महसी रेलवे स्टेशन पर शाम के 6:01 पर पहुंचती है और 6:03 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2112 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अपने अगले स्टेशन मोतीपुर रेलवे स्टेशन बिहार में शाम के 6:13 पर पहुंचती है और 6:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2125 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मोतीपुर का स्टेशन कोड है MTR और इसके बाद ये ट्रेन जो है मुजफ्फरपुर जंक्शन बिहार में रात के 8:55 पर पहुँचती है और 9 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2192 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अपने सेकंड लास्ट स्टेशन पर यह समस्तीपुर जंक्शन में पहुंचती है। अवध एक्सप्रेस जो है यहाँ पर रात के 9:50 पर पहुंचती है और 9:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 2204 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद अवध एक्सप्रेस जो है वो बांद्रा टर्मिनस मुंबई से चलकर अपने आखिरी स्टेशन बरौनी जंक्शन बिहार में रात के 11:10 पर पहुंचती है और 2256 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ अवध एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।